यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का बंसीघाट के बच्चा पार्क में कल किया जाएगा अंतिम संस्कार। बच्चा पार्क में बनेगा कल्याण सिंह का स्मृति स्थल। पुलिस प्रशासन के अधिकारी अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे। नरोरा में हेलीकॉप्टर से आने वाले वीवीआईपी के लिए बन रहे 4 हेलीपैड। अंतिम संस्कार में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े नेताओं के पहुंचने की संभावना। देखिए, अभी हम लोग नरोरा के बसी घाट पे खड़े हैं। यहाँ पे माननीय श्री कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर के दाह संस्कार की व्यवस्था की जा रही है और इसमें बड़ी संख्या में आसपास के लोग और कई सारे वीवीआईपी, जिसमें भारत सरकार के कुछ माननीय मंत्रीगण, आस पास के प्रदेश के भी कुछ माननीय मंत्रीगण, कुछ माननीय मुख्यमंत्रीगण के भी आने की संभावना है। तो पूरा जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है, जो कि आप देख ही रहे हैं कि तैयारियां चल रही हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में हर साल पेश की जाती है सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। यहाँ हर वर्ष रक्षाबंधन के त्यौहार पर मुस्लिम भाई हिंदू बहन से राखी बंधवा कर देता है सुरक्षा का वचन। हिंदू बहन ने मुस्लिम भाई की आरती उतार कलाई पर राखी बांध कर की लंबी उम्र की कामना। मुन्नी देवी नाम है, हसन मेरे भाई हैं। 8-10 साल से, मतलब मैं 8 साल से राखी बांधती हूँ हर साल, और मिलना जुलना है, हमें गहरा प्यार है बहन भाई में, मेरे भाई हैं ये। गैंगस्टर में वंचित 20,000 के इनामी सरजीत उर्फताव को बुलंदशहर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा और कारतूस भी किया बरामद। गैंगस्टर सरजीत पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज। बुलंदशहर की पहासू पुलिस ने साबितगढ़ चीनी मिल से गैंगस्टर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। नेशनल हाईवे 91 पर बेकाबू ट्रक ने मारी अज्ञात व्यक्ति को टक्कर। व्यक्ति की हालत गंभीर, स्थानीय लोगों की मदद से घायल को खुर्जा के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार, घायल की पहचान और ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। अरनिया थाना क्षेत्र के दशहरा गांव के निकट हाईवे पर हुआ हादसा। रक्षाबंधन के त्यौहार पर सड़कों पर लगा लंबा जाम, पुलिस नहीं संभाल पाई यातायात व्यवस्था। त्यौहार मनाने जा रहे यात्रियों से खचाखच भरे नजर आए वाहन। घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैफिक पर पुलिस ने किया काबू। जनपद के सिकंदराबाद जीटी रोड और ककोड़ स्टेट हाईवे पर लगे जाम की तस्वीरें। सिकंदराबाद का सलेमपुर कायस्थ जाने वाला मार्ग पूरी तरह जर्जर। थोड़ी देर की बारिश के बाद अक्सर हो जाता है जल भराव। स्थानीय लोगों का पैदल तक निकलना दूभर। कई बार की शिकायत के बाद भी सफेदपोश और जिम्मेदार अधिकारी नहीं लेते संज्ञान। स्थानीय युवक ने जर्जर रोड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। हालत बद से बदतर। अचानक आई बारिश के कारण बस अड्डे पर खड़े यात्रियों में अफरा तफरी देखने को मिली। कई लोग पेड़ का सहारा लेते नजर आए तो कई यात्री शील्ड में बारिश से खुद को बचाते नजर आए। त्योहार मनाने अपने गंतव्य जा रहे भाई बहन घंटों से खुर्जा बस अड्डे पर खड़े हैं और वहां बस का नामो निशान तक नहीं, जिससे साफ जाहिर होता है कि त्योहार के मद्देनजर खुर्जा परिवहन विभाग ने यात्रियों के लिए कोई खास तैयारी नहीं की है। न्यूज डेस्क, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।